वज्रकेशाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्ते जय तु देवी चामुंडे जय भूता हारिणी जय सरति काल रात्रि नमस्ते वैकुंठ महाकाय सूर्य कोटि सप्तमय निर्विघ्नम कर्म देव सर्व कार्ये सु सर्वदा श्री मंगलाधिपते नमः जमुदी पेपर खंडे संबंध असी मासा नौ मासे माघ मासे सुबह कृष्ण कक्ष सुप्त कोमल सह पुत्रियम माँ लक्ष्मी काली सरस्वती श्री गणेशाद पूजन करते सर्व मंगल मांगे श्री सर्वाद साधके सर्वम के गौरी नारायणी नमस्ते एकाचो मंगला यतनोरी आदित्य वसुदेवा विष्णुदेवा मगवा लोकपाला प्रसंतो तिलकंते धर्म का मार्षिते ओम हरिओम सुस्त्र पुखा विष्णुवेदा स्वस्ति अरिष्ट नेमी स्वस्त धातो कृष्णाय वासुदेवाय हर हे परमात्मने मेरा काम जागरण कहा जाए कर रखना चाहे रख सकते हैं हाथ में बाकी हुए बाकी जाति ज्योति का प्रकाश कराऊंगा आए हुए जो भी भक्त हैं कृष्णाय वासुदेवाय जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधके सर्वम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयकारा सेरा वाली दा और साडे दरबार की जय जय माता दी जय माता दी हरी मेरी कंजा को आज हेलो जय माता दी जय हो जयकारा सेरा वाली का भाई मेरी सुखिया जोता वाली माता तेरी सदा नामा क्षेत्रपाल भैरव तेरी सदा ही जयकारा बुलाएंगे ध्यान हो जाएंगे बोल साचे दरबार की जय जयकारा काल का माई का दरबार की जय अंधेरा ही अंधेरा होता
इसी पवित्र जागती ज्योति का प्रसाद टीके लगाएं। हाँ हाँ, और किस लिए बुलाए? चावल सांचे दरबार की जयकारा, कालका माई का सांचे दरबार की जय। सर्वानंद करी देवी नारायण देवी चामुंडे, जय भूता देहारनी, जय सरस्वती। आदरणीय राम कुमार शास्त्री जी के अरदास, जिस भावना से महाराज जी ने मातेश्वर के श्री चरणों में अरदास कराई है, मातेश्वर जिस भावना से तेरे चरणों में तेरी अरदास रखी है, अनगना मातेश्वर जिस खजाने से अरदास आई है, अरदास मंजूर करना। जयकारा निस्तारा धर्म का दो। आइएगा जिन्होंने टीका लगवाना छोड़ दे, त्योहार में हार वगैरह आ जाए, जो भी अपने अरदास के चरणों में रखना चाहते हैं आइएगा। Yeah.
Thank you.
Ram 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 Ram
हरियाली चारणी चौकी पे I'm gonna go
पुत्र हाजी लगा रही हैं अभी बुरबुर, और इनके साथ और भी बहने हाजी लगाएंगी। मैंने ये राग जी भगवान भोलेनाथ आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी वचन दीजिए ना छोड़े गए कभी हमारा हाथ जी भोलेनाथ जी शंकरनाथ जी भोलेनाथ जी शंकरनाथ जी भोलेनाथ जी शंकरनाथ जी भोलेनाथ। दोनों हाथों की ताली बजाएंगे सभी, दोनों हाथ की तालियां। चंदा है गंगा बसी जटाओं में वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। तुम साथी नौ तालियों जहाँ वहाँ होती है हम
की बरसात ही रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी वचन दीजिए ना छोड़िए भोले नाथ जी ओ शंभु नाथ जी ओ भोले नाथ जी ओ शंकर नाथ जी बोलिए शंकर भगवान की प्राण मेरे बसते हैं तुम मैं तुम बिन मेरी नहीं गति अग्नि कुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी शक्ति बिन शिव शंकर भगवान की बोलिए सच्चे दरबार चोर तीन चिड़े दी आई
फरमाई है, जगह का भाग्य जागरण कराने वालों का प्यार कर दी है अपने भगत से कितना ये शेर की सवारी करती है इसलिए इसको कहते हैं, बोले जरा जोर से बोलो, शेर वाली कहते हैं। और ये ऐसी माँ है पहाड़ों से हम मांगते रहते जिसके हाथ होंगे सबसे ऊपर वो होगा सुपर डुपर, जिसके आया है
दीदार भरेगी है माता दे टुकड़े हरेगी है माता दे देवी है माता देवी है माता दी है सुन देवी है माता दी भोला मैया है माता दे सबको नाचते हुए नचाते हुए बहुत ही सुंदर आज करेंगे रेखा शर्मा जी। दुर्गे मैया की सभी भक्तों को रेखा शर्मा की तरफ से जय माता की, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आइएगा सबसे पहले तो सभी भक्तों को जो हमारे जितने भी सनातनी हैं सभी के लिए राम मंदिर में हमारे राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में सभी को जय श्री राम। कौशिक परिवार है, रिश्तेदारी है भाई। एक बार जरा दोनों हाथ उठा दो और एक बार जरा सुंदर सा जयकार लगाओ जय श्री राम का, जय जय श्री राम। तो हमारे अंदर बुद्धि का प्रकाश होता है और कहते हैं ये कंठ पर बैठ जाए तो हमारे मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकलता। ये सबको पता है कि तुम है कहीं हो, सबको पता है कि तुम है कहीं हो, अगर तुम ना होती तो दुनिया ना होती, अंधेरा मिटाती ये तेरी ज्योति, अंधेरा मिटाती तेरे मामूज पे कृपा तेरी जो हो जाए, मुझे जी सुनाने का अंदाज मां आ जाए। चलते हैं और कहा है क्या हे शारदे मानोज कृपा तेरी जो हो जाए, एक बार जरा दोनों हाथ उठाएं।
We
जगा लो। जब माँ बाजार को जाती है और बच्चा रोने लग जाए और माँ को जाते हुए देखता है तो बच्चा जिद जरूर करता है, मैं भी चलूंगा या मैं भी चलूंगी। और मेरे जैसी गुस्से वाली माँ एक चांटा जरूर मारती है खींच के, लालायक ले चप्पल वप्पल भी उतारेगी, थैले भी फेंक देगी, जाओ पिटाई तो लगेगी नो प्रॉब्लम, पर अपना जो है वो हमें मिल जाएगा। मानते हैं इस बात को दोनों? हम
निभाती हैं बेटियां। बात अच्छी लगी उसको बोलिए सच्चे दरबार की। यही मेरा अंतिम भजन, बड़े ध्यान से सुनेंगे, पैसे खर्च करो मत करो, पर तालियों पर विशेष ध्यान देंगे। यही हॉर्लिक्स ब्रॉनविटा का काम करेंगे। अरे ये चलते घर कहाँ है क्या हो आ
अपनी माँ से कहती है, माँ तेरे आंगन में मैंने 20-22 साल बिताए, आज मैंने तुझसे क्या मांग लिया माँ? वो तेरे घर के कोने में मेरे लिए इतनी भी जगह नहीं है। रोती है बेटी, ऐसे ही रोती है बेटी भी और माँ भी। रोती है बेटी और कहती है क्या, जरूर बजाए। बोलिए सच्चे दरबार की बेटी रोती है। जब बेटी स्टेज की तरफ जाती है, जब बेटी स्टेज की तरफ जाती है तो सबसे पहले देखती है पीछे मुड़के कि मेरा बाबुल फार्म हाउस के कोने पर, मैरिज होम के कोने पर खड़ा है। एक कोने पर कौन खड़ा है? पिता। और एक कोने पर कौन खड़ा है? कौन? भाई। एक कोने पर पिता, एक कोने पर भाई। कैसे खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं देखते हैं ऐसे क्यों? अरे कोई कर्जा नहीं ले रहे बेटी वाले, जो बेटे वालों के आगे हाथ जोड़ते हैं। पर झुकता ही किस लिए है बाप? अपनी बेटी के लिए झुक जाता है। देखती है बेटी रोने लग जाती है, विधाता को कोसती है, हे विधाता तूने बेटी का जन्म ही क्यों दिया, मेरे बाबुल की गर्दन नीचे कर दी। बेटी भी देते हैं और जितने लोग आएंगे ना, हजारों आदमी हैं सबके सामने, अरे कोई कमी तो नहीं रही, कुछ कमी रह गई हो, मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ के किया, बाबुल यही कहता है। और जो बेटे वाला मांगने आता है ना भैया, कैसे आता है? अकड़ के खड़ा होता है, दो बटन खोल के, है ना? बोलिए सच्चे दरबार की। और बेटी वाला देता भी है, झुकता भी है और सुनता भी है। बोलिए सच्चे दरबार की। पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, ये विधाता ने लिखा ही ऐसा, चंदा ने पूछा सबसे प्यारा कौन समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ताली बजाते रहो। बेटी रोती है, पर जब बेटी की डोली दरवाजे पर आती है ना शास्त्री जी, तो सबसे पहले बाप को रास्ता छोड़ देता है। जब से रिश्ता पक्का होता है ना बेटी का, बाप पूरे जोश के साथ लगता है, समझ रहे हो? और जैसे ही लड़की की माला पड़ जाती है, फेरे पड़ जाते हैं, बाबुल की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। होता है ना ऐसा, बाबुल कमजोर पड़ने लग जाता है। मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि बेटी का विदाई का समय आ गया। छोड़ के आ
हो भी तो खत्म होते हैं। आज से तू इस परिवार के सुप्रत करता हूँ मैं तुझे, जितने भी अधिकार हैं इस परिवार के हैं। बेटा मैं तुझे ये भेजे तो आना, नहीं तो बेटे कभी मेरी दहली। ये अच्छे परिवार की शिक्षा है। आजकल तो 50% कहते हैं अरे भेजेगा कैसे, नहीं हमने क्या बेच दिए, खरीद लिए क्या उसने? नहीं, ये सामाजिक बात नहीं होती है, क्योंकि यदि बाबूल अपने घर में रख सकता बेटी को तो विवाह करता ही नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप वहां पर झुको बहुत ज्यादा, पिटो मार खाओ, जिल्लत की जिंदगी जियो, नहीं, उसके लिए माँ बाप तैयार रहने चाहिए। पर यदि 19-20 बात हो जाती है तो कोऑपरेट करना चाहिए। माँ के घर भी तो माँ कितना कितना, मैं मम्मी, मैं इतनी जिद्दी थी, मेरी मम्मी खूब बजाती थी मुझे, बोलिए सच्चे हृदय में, मतलब अकड़ गई पड़ गई रोड पे, है ना, पैर घिसती रहती थी और मम्मी बजाती रहती थी, बोलिए सच्चे दरबार की, अपनी सुना रही हूँ मैं। पर फिर भी माँ जब चली गई तो आज ऐसे लगता है यहाँ से कोई चीज खाली हो गई है, बोलिए सच्चे दरबार। क्या कहते हैं, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, शब्द है। मैं तुझे माँ की तरह देखता हूँ बेटा, क्यों? क्योंकि है तुझे तो दादी की परछाई, अंतिम लाइन मेरे भजन की, जब बेटी की डोली चलने लगी तो माँ भी बेहोश हो जाती है, बेटी डोली में से उतरती है, माँ को अपने कलेजे से लगाती है, माँ कोई गलती हो गई हो मैं दोनों हाथ जोड़ती हूँ माँ, पर ऐसे विलाप मत कर, मुझे तो आज या कल दूसरे के घर जाना है। रोती है बेटी, अंधेरा हो जाएगा, मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? ये बेटियां हैं, कभी जिद नहीं करती, जो दे दोगे वही ले जाती हैं। और ये सच्चे दरबार की, बेटों की तरह नहीं, यहाँ नहीं दोगे तो कोर्ट में ले लूंगा, मेरा हक बनता है, बेटियां कभी हक नहीं जताती। और ये सच्चे दरबार की, ताली तो बजाओ। और रोते रोते बेटी क्या कहती है अंतिम लाइन मेरे भजन की, तेरे ने तुमने
हनुमान के बिना आइए हरवीर शर्मा एंड पार्टी सदन सदन जी महाराज बालाजी महाराज राम भगत हनुमान बालाजी के घर आना
जय श्री राम। फूलमाला जी महाराज की, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। बोलिए सच्चे दरबार की झांकियां अभी और भी है मेरे बांके बिहारी जी की। पीछे हो जाए पवन चले देना कुंज बिहारी।
दिखला वैसे ना देना तो साफ ना ते क्यों लगदा तार को आवे से
माता रानी का स्वरूप है, इसलिए जो है आशीर्वाद ले माता रानी का। माता रानी सबकी मनोकामना को पूरी करती है। सुमिरन भव सागर से तारती मैया देवरदान माता को पूजके सुख भोगता पाकर बुद्धि मैया तेरे सुमिरन जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्या
गज शिरोमणि तुंग हिमालय शुंग नभ गंजिनि कैट भवंजिनि रासरथे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैलसुते फूल सांचे दरबार की उतनी कृपा सांवरे बनाए रखेना उतनी कृपा सांवरे बनाए रखेना और बसने रंतक सेवा में लगाए रखेना बसने रंतक सेवा में लगाए रखेना हरे 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 किया चौक बोला ये जय हनुमान वाले दावा हसे हसे पूछे माता ब्रह्माणी को लाए वो तो चारो वेद पढ़ाए तूने वाले माँ के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाले माँ के और आइए जितने बच्चे हैं ब्याज माने सभी जय सब करो जय माता दी जय माता दी और आइए जितने बच्चे हैं विराजमान है सभी बारी बारी आकर साहब तो कन्या का जन्म होता है राजा ब्राह्मण को बुलाता है नामकरण करवाता है ब्राह्मण ने पहली कन्या की कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद में राजा को बतलाता महाराज ये पहली कन्या तो आपके लिए बड़ी शुभ है इतनी शुभ है जैसे आसमान के अंदर एक चांद लाखों सितारों में एक है ऐसी आपकी पहली कन्या लाखों में एक रहेगी और जब तक आपके राजपाट में रहेगी आपका नाम रोशन करेगी और जन्म कुंडली के अनुसार ये माता रानी की भगतनी बनेगी और इसका जन्म तारों की छांव में हुआ है इसलिए मैं पहली कन्या का नाम रखता हूँ तारा क्या नाम रखता हूँ जोर से बोले राजा कहता है जो छोटी वाली कन्या है इसका भी नामकरण कर दीजिए ब्राह्मण ने छोटी वाली कन्या की कुंडली देखी तो देखने के बाद में राजा को बतलाता महाराज ये छोटी वाली कन्या तो आपके लिए अशुभ है राजा कहता है बड़ी कन्या के बारे में अभी बतलाया लाखों में तो ये अशुभ क्यों है तो ब्राह्मण राजा को बतलाता है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है इस कन्या ने आपके घर में कैसे जन्म लिया और किन किन के आशीर्वाद से लिया मैं इसके पिछले जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ आप जरा ध्यान पूर्वक सुनिए प्रेम से कह दो ब्राह्मण राजा को छोटी वाली कन्या की पूर्व जन्म की कथा सुनाता है तो ब्राह्मण राजा को बतलाता है पूर्व जन्म में भी ये दोनों सगी बहने थी जैसे इस जन्म में सगी बहने हैं पिछले जन्म में भी ये दोनों सगी बहने थी एक समय के बाद दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा बड़ी बहन ने कहा जाओ बाजार से व्रत का सामान ले आओ बाजार में गई सामान खरीदा सामान खरीदने के बाद में जिस समय वो लौट के घर आ रही थी तो एक हवा का झोंका आ गया उसके शरीर से छूता हुआ चला गया उसकी मति वहां पे भंग हो गई खड़े खड़े बाजार में सारा का सारा व्रत का सामान खा गई थोड़ा सा आगे बढ़ी रास्ते में महाप्रसाद मिल रहा था महाप्रसाद मांस का प्रसाद
उसने महाप्रसाद भी खा लिया। और प्रसाद खाने के बाद में घर पे जाती है तो उसकी बड़ी बहन कहती है व्रत का सामान कहाँ, सारा का सारा व्रत का सामान मैंने खा लिया। इतना ही नहीं वहां पे तो रास्ते में महाप्रसाद मिल रहा था। उसकी बहन ने पूछा महाप्रसाद क्या होता है कि मांस का प्रसाद, मैंने तो महाप्रसाद भी खा लिया। इतना सुनने के बाद में उसकी बड़ी बहन को बड़ा गुस्सा आता है। उसकी बड़ी बहन कहती है पगली तू नहीं जानती कि हिंदू परिवार के अंदर एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनते, जो चावल बनाकर खाते हैं वो कीड़े मकोड़े खाने के बराबर। तो अपने घर में आज के दिन चावल बना के भी नहीं खाते, तूने तो मांस खाया है, तूने कीड़े मकोड़े खाने जैसा काम किया है। जा मेरी बहन आज मैं तेरे को शराब देती हूँ, अगला जो जन्म होगा तेरा कीड़े मकोड़े वाले खाने जूनी के अंदर होगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार। बड़ी बहन ने उसको शराब दे दिया, अगला जन्म होगा तेरा कीड़े मकोड़े वाले। भक्तों हाथ जोड़ के कहले की बहन तूने मुझे शराब को दे दिया, इतना बतला दे कि तेरे दी हुई शराब से मुझे छुटकारा किस प्रकार मिलेगा। तो उसकी बड़ी बहन बतलाती है कि जब तेरा अगला जन्म होगा और अगले जन्म में तू अपने प्राण गवाएगी, लोगों के प्राण बचाएगी, तो मेरे दी हुई शराब से तेरे को छुटकारा मिल सकता है। प्रेम से बोलो। बड़ी बहन ने छोटी बहन को शराब दे दिया। अब जो उसका अगला जन्म हुआ भक्तो वो एक छिपकली का हुआ। छिपकली क्या खाती है दीवार पर रेंगते रेंगते, हाँ जी कीड़े मकोड़े खाती। अब जो उसका अगला जन्म हुआ वो एक छिपकली का हुआ। अपनी मुक्ति का समय का इंतजार करती है तो एक समय आया। कैसा समय आया कि पांडवों ने महाचंडी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के अंदर संसार के ऋषि मुनि संत महात्मा सभी बुलाए, उनको नहीं बुलाया। यज्ञ शुरू हो गया, यज्ञ शुरू होते होते चार घंटे बीत जाते। दुर्वासा ऋषि के मन में विचार आता है मेरे शिष्यों ने महाचंडी यज्ञ करवाया है, मेरे पास में निमंत्रण नहीं भेजा, इसका मतलब यह है मेरे शिष्यों ने मेरा घोर अपमान किया है। और अपना अपमान का बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि क्या काम करते हैं कि एक पक्षी का रूप बना लेते हैं, कहीं से मरा हुआ जंगल में मरा हुआ जहरीला सांप पकड़ते हैं, अपने पंजे के अंदर आकाश में उड़ने लगते हैं। कहां पर, जहां पर यह का भंडारा बन रहा था, प्रसाद बन रहा था। आसमान में उड़ते हुए नीचे दुर्वासा ऋषि ने नीचे देखा कि इस समय भंडारे के पास कोई नहीं है, अपमान का बदला लेने के लिए अच्छा मौका है। उन्होंने जहरीला सांप प्रसाद के अंदर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। यज्ञ होते होते सुबह से शाम हो जाती है। सेवादार आकर भंडारे के पास में आके खड़े हो जाते हैं तो ये सांप वाला जो नजारा है वो दीवार से चिपकी हुई छिपकली देख रही थी जिसको शराब मिला। छिपकली के मन में विचार आया अभी अभी प्रसाद के अंदर जहरीला सांप गिर गया, प्रसाद तो जहरीला हो गया, जो खाएगा वो तो मर जाएगा, मगर मैं बोल नहीं सकती, भक्तों के प्राण बचाऊंगी। भक्तों जिस समय सेवादार आकर भंडारे के पास में आके खड़े हो जाते हैं तो उस छिपकली ने दीवार से चिपके हुए सभी सेवादारों के सामने प्रसाद के अंदर अपने प्राण त्याग देती है, अपनी जान गवा देती है। जरा जोर से बोलो। सेवादारों ने देखा प्रसाद के अंदर तो छिपकली गिर गई। सेवादार वापस यज्ञ में गई, संत महात्मा को बुलाया, बताया कि प्रसाद नहीं बांटा जा सकता महाराज, क्योंकि प्रसाद तो अभी अभी जहरीला हो गया। संत महात्मा पूछने लगे जहरीला जहरीला कैसे हो गया कि उसमें हमारे सामने अभी अभी जो है छिपकली गिर गई। सुनने के बाद में सभी संत महात्मा प्रसाद के पास में आते हैं, भंडारे के पास में आते हैं, देखते क्या है कि एक छिपकली प्रसाद में गिर चुकी है और मर गई है। संत महात्मा को बड़ा गुस्सा आया। संत महात्मा कह लगे छिपकली ये तूने अच्छा नहीं, तूने सारा का सारा प्रसाद ये जहरीला कर दिया, तूने हमारी आत्मा को भी कष्ट पहुंचाया है, जा छिपकली आज हम तेरे को शराब देते हैं, क्योंकि तूने जो ये काम किया है ना, जो तूने जो काम किया है ये ऐसा काम किया है छोटे घर के लोग कर देते हैं, छोटे घराने के कर बीज घराने के कर देते हैं, तूने हमारी आत्मा को भी कष्ट पहुंचाया, जा हम तेरे को शराब देते हैं, अगला जन्म जो होगा तेरा एक नीच घराने में होगा, छोटे घराने में होगा। प्रेम से बोलो, जय माता, मिलकर बोलो जय माता। भक्तो बड़ी बहन ने उसको शराब दे दिया, अगला जन्म तेरा नीच घराने में होगा। अब देखिए ये माता रानी आपके सामने बैठे, उस बगली को संत महात्माओं द्वारा किस प्रकार से उस बगली को आशीर्वाद दिलवाती है ये माता। संत महात्मा कहते हैं ये प्रसाद जहरीला हो गया, इसको कोई नहीं खाएगा, ये काम करो इस प्रसाद को जंगल में लेके जाओ, गड्ढा खोदो और सारा का सारा प्रसाद गड्ढे में दबा दो। प्रसाद को जंगल में ले गए, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद जिस समय सारे सेवादार संत महात्मा प्रसाद को पलट रहे थे गड्ढे के अंदर, तो सारे के सारे क्या देखते हैं प्रसाद के अंदर क्या निकलता है, मरा हुआ
सांप निकलता है, क्योंकि सांप को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा था, छिपकली को गिरते हुए सेवादारों ने देखा। संत महात्मा समझ गई कि छिपकली ने सबके सामने प्राण त्याग कर हमारे प्राण बचाए हैं, और हमने इसको तो शराब दे दिया। संत महात्मा कह लगे, छिपकली देख, जो हमने तेरे को शराब दिया है हम उसको वापस तो नहीं ले सकते, तूने हमारे प्राण बचाए, हम सबके प्राण बचाए हैं, इसलिए हम तेरे को एक आशीर्वाद देते हैं छिपकली कि अगला जन्म जो होगा तेरा एक राज घराने में होगा। शराब के अनुसार वो छोटे घराने में होगा, नीच घराने में होगा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, दो चार बोल रहे हो रहने दो भाभी, कोई बात नहीं, ऐसी काम चल जाएगा। एक बात बदलो, मैं आप लोग इतने सारे बैठे, आप लोग इतने सारे बैठे और मैं अकेला बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज आ रही है नहीं आपसे ज्यादा आ रही है? हाँ, वो कह रही है तुम्हारे पास तो माइक है, मैंने सुन लिया, मैंने कहा ना जैसे मेरी आवाज ज्यादा कर लेगी, तुम्हारे पास तो माइक है। जो कह रही है ना कि तुम्हारे पास माइक है, ये इनका कसूर नहीं है, जो कह रही है माइक है तुम्हारे पास, ये इनका कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल जमाना इस कदर आ गया है, आजकल का जो जमाना इस कदर आ गया है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। अगला जन्म जो होगा तेरा एक राज घराने में होगा, मगर हमने तेरे को शराब दिया है, तेरा जो पालन पोषण है वो नीच घराने में होगा। प्रेम से बोलो। ब्राह्मण राजा को बतलाता, महाराज ये वही छिपकली है जो संत महात्माओं का आशीर्वाद लेके इसने आपके महल के अंदर जन्म लिया। राजा कहता है इसका क्या करना चाहिए, छोटी वाली कन्या तो शुभ है। ब्राह्मण कहता है इसको मरवा दीजिए। राजा कहता है कन्या को मरवाना पाप नहीं पंडित जी, महापाप, और कोई उपाय बतलाओ। ब्राह्मण बतलाता, अगर आप इस छोटी वाली कन्या को नहीं मरवा सकते ना, तो एक काम करो, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसके चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़वा दो, थोड़े से हीरे जवाहरात बक्से में रख दो, आधी रात के समय इस छोटी वाली कन्या को जो आपके लिए अशुभ है महाराज, इसको बक्से में बंद कर दो, नदी में बहा दो। जो भी इंसान हीरे जवाहरात के लालच में इस बक्से को पानी से बाहर निकालेगा, वही इस छोटी वाली कन्या को पाल लेगा, आपको पापी नहीं लगेगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रेम से कह दो। एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़वा दिए, थोड़ी सी हीरे जवाहरात बक्से में रख दिए, और आधी रात के समय भक्तों जो राजा के लिए छोटी वाली कन्या अशुभ थी, उसको बक्से में बंद कर दिया, नदी के अंदर बहा दिया गया। बक्सा बहता बहता सवेरे 5 बजे हरिपुर घाट पर पहुंच जाता है। घाट पर पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं, पंडित जी देखते हैं पानी के अंदर चमकता हुआ बक्सा दिखाई देता है, पंडित जी को तैरना नहीं आता। पंडित जी ने सामने देखा कि एक नीच जाति का भीललास दिखाई देता है। पंडित जी आवाज मारते हैं, भीललास देख तू तैरना जानता है, मुझे तो पानी से बाहर निकालना, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कि अंदर का सारा माल मेरा। पंडित जी कहने लगे भीलराज को कि अंदर का सारा माल मेरा और बाहर का सारा माल तेरा, क्योंकि बक्सा मैंने देखा है। इतना सुनने के बाद में भक्तों भीलराज ने पानी के अंदर छलांग लगाई और पकड़ के बक्से को बाहर निकाल पाया, पंडित जी के सामने रख दिया। पंडित कहने लगे जल्दी से बक्से को खोलो, चमक धमक बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और जैसे भीलराज ने उस बक्से को पंडित जी के सामने खोला, तो दोनों के दोनों क्या देखते हैं भक्तों, कि एक छोटी सी कन्या बाएं पैर का अंगूठा पीती हुई और बक्से के अंदर मंद मंद मुस्कुरा रही है। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सच्चे दरबार की। एक छोटी सी कन्या बाएं पैर का अंगूठा पीती हुई बक्से के अंदर मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसीलिए कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल ना बाका हो सके, चाहे जग सारा वैरी को। भक्तो जैसी भी लाजना छोटी वाली कन्या को बक्से के अंदर देखा, तो उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़ के कहने लगा पंडित जी मेरे घर में जो भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा है सारा ले लो, मगर एक छोटी सी कन्या को मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे घर आज तक कोई संतान नहीं। पंडित जी को दया आ गई, पंडित जी कहने लगे भीलराज अपने आंसू पोंछ ले, जा इस छोटी वाली कन्या को जा अपने घर के जा, एक काम कर, ये जो बक्से के अंदर हीरे जवाहरात हैं, जा इनको भी अपने साथ ले जा, इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करना, जब इसका विवाह करो तो मेरी तरफ से जो हीरे जवाहरात हैं इसको कन्या दान में दे देना, क्योंकि सबसे बड़ा दान
सबसे बड़ा दान कन्या दान होता है। भीलराज ने छोटी वाली कन्या को गोद में उठाया, अपने के बाद में भीलराज ने जो है वो छोटी वाली कन्या का नाम अपने आप ही रख दिया रुक्मन। क्या नाम रखा? और बड़ी का नाम क्या था? बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मन रख दिया। समय के अनुसार धीरे 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 ये दोनों बहनें जो है विवाह योग्य हो जाती है। तो तारा का विवाह सुनने वाली बात है, तारा का विवाह अयोध्या के राजा हरिचंद के साथ में कर देता है राजा स्पर्श। तारा का विवाह अयोध्या के राजा हरिचंद के साथ में कर देता है। इधर भीलराज भी अपनी जात बिरादरी में एक लड़का ढूंढता है अयोध्या नगरी में, वो भी रुक्मन का विवाह अयोध्या नगरी में कर देता है। प्रेम से बोलो बिछड़ी हुई दोनों बहनें विवाह होने के बाद में एक ही नगर में आ जाती हैं, मगर फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है भक्तों। क्या फर्क हो जाता है कि एक महलों की रानी महारानी तारा बन जाती है, क्योंकि उसका विवाह महल में हुआ है। एक उसी महल की नौकरानी बन जाती है। नौकरानी कैसे बनती है ये भी मैं बतलाऊंगा, पहले थोड़ी सी बाद में आपको तारा के बारे में बतलाना चाहूंगा। विवाह होने के बाद में तारा भक्तों महल में आ गई, राजमहल में आ गई। तो तारा ने क्या काम किया, सबसे पहले कि उस महल के अंदर एक मंदिर बनवाया, एक सुंदर सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर के अंदर इस माता रानी की मूर्ति विराजमान की, और तारा उठते बैठते खाते पीते सोते 24 घंटे माँ की भक्ति करते थे, माँ की पूजा करते थे। एक लौंग का जोड़ा और एक किलो पानी पीती थी भक्तों तारा, इसके अलावा कुछ नहीं खाती पीती थी। जरा प्रेम से बोलो, एक महलों की रानी बन गई तारा, एक उसी महल की नौकरानी बन गई रुक्मन। कैसे बन गई? कि रुक्मन की सास महलों में सफाई का काम करती थी। एक समय की बात, रुक्मन की सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने रुक्मन को पास बुलाया, उस मंदिर में मत जाना क्योंकि हम तो छोटी जाती है। सुनने के बाद में रुक्मन आगे महल में सफाई करने लगी, और सफाई करते करते उस महल के अंदर भक्तों जो मंदिर बना हुआ था उसमें से एक माता के नाम के जयकारे की आवाज आती है, उठाएंगे अब दोनों हाथ बिल्कुल सी दिया, चलना शुरू कर दिया मंदिर की तरफ। मंदिर की सीढ़ी पर जाके बैठ जाती है, मंदिर में भजन हो रहे होते हैं, भजन को सुनते सुनते रुक्मन को बैठे बैठे वहीं पे नींद आ जाती है, रुक्मन सो जाती है। जोर से बोलो, भजन खत्म होने के बाद में महलों की रानी महारानी तारा जैसे मंदिर के बाहर आई तो उसने देखा एक संतनी सोई है, जानती तो नहीं है ये कौन है। जैसे ही उसको जगाया रुक्मन की आंख खुली, रुक्मन तो परेशान हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कह लगी महारानी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को इस मंदिर में नहीं आना चाहिए। तारा कह लगी क्यों? क्योंकि महारानी मैं छोटी जाती हूँ, नहीं चाहती, मेरी सास ने मेरे को मना किया था, न जाने मैं कब आके बैठ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तारा कह लगी अगर तू नहीं चाहती की है तो क्या हुआ, जिस मंदिर की सीढ़ी पर तू बैठी है इस मंदिर के अंदर माँ वैष्णो बैठी है, और ये माँ ऐसी है तू नहीं जानती, अंधों को आंखें देती है, गोड़ी को माया देती है, माजन को पुत्र देती है, निर्धन को माया देती है। रुक्मन ने सुना कि भाजन को माँ पुत्र देती है संतान, मन में विचार आया मेरे घर में तो संतान है, हाथ जोड़ के कह लगी महारानी मेरे घर कोई संतान नहीं है, ये माँ मुझे संतान देगी तो इस माँ से आज मैं वादा करती हूँ कि जब मेरे को संतान माँ दे देगी तो मैं अपने घर में एक माता के नाम का एक जागरण करवाऊंगी, जैसे कि आज हमारे कौशिक जी ने अपने परिवार के साथ में माता रानी के नाम का जागरण किया है। और माँ से वादा करने के बाद में भक्तों रुक्मन अपने घर चली जाती है। जोर से बोलो, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। एक समय ऐसी माता रानी की कृपा होती है कि रुक्मन के घर एक पुत्र का जन्म होता है। जोर से बोलो, उधर तारा के घर भी माता रानी की कृपा से एक सुंदर सी बेटी का जन्म होता है, और तारा वो इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि तारा उसका नाम ही सुंदर रख देती है। क्या नाम रखती है? सुंदर रख देती है, बहुत सुंदर होता है। देखिए रुक्मन के घर में पुत्र को जन्म लिए भक्तों, धीरे 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 पूरी 5 साल बीत जाते हैं। रुक्मन भूल जाती है मैंने इस माँ से क्या वादा किया, मगर ये माँ नहीं भूलती। आज हम वादा कर ले भैया, आज हम इस माँ से कोई वादा कर लीजिए आप, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम अपने वादे को भूल जाएंगे, मगर ये माता रानी नहीं भूलती, ऐसी माँ है।
जब 5 साल हो जाते हैं तो एक दिन अचानक रुक्मन के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, उसको चेचक निकल जाती है, जिसको हम शीतला माता भी कहते हैं। टीम के पास जाती है, उसका बेटा ठीक नहीं हो पाता, परेशान हो जाती है, अपने पुत्र को लेके आ जाती है तारा के पास, महल के अंदर मंदिर में सारी बात बतलाती है। तारा ने जैसी बात सुनी तो रुक्मन के पुत्र की तरफ देखा और रुक्मन से कहने लगी, बात सुन, तेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई, तेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई जो तेरे बेटी की हालत ऐसी हो गई। और रुक्मन ने खड़े खड़े मंदिर में माँ की मूर्ति की तरफ देखा तो याद आ गया, हाथ जोड़ के गले की, महारानी मैंने एक माँ से वादा किया था संतान के लिए, माँ ने मुझे संतान तो दी, मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। सारे गले की जा, अपने बेटे को घर लेके जा, अपना वादा पूरा कर दे, जागरण वाला एक जागरण करवा दे, तेरा बेटा तो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा, प्रेम से कह दो। भक्तो रुक्मन आ जाती है अपने घर, अगले दिन जाती है मंदिर में पंडित जी के पास, पंडित जी माँ के नाम का जागरण करवाना है अपने घर, जागरण कर दो। पंडित जी कहते हैं तू नीच जाति की है, नीच जाति में तो हम करते नहीं, जा किसी और से करवा ले। रुक्मन गई मंडली वालों के पास, कोई भी जागरण मंडली वाला रुक्मन के घर जागरण करने को तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो नीच जाति की, परेशान हो जाती है, महल में आती है सारी बात बतलाती है। जब सारी बात सुनने के बाद में तारा कहती है तू चिंता क्यों करती है, कोई जागरण करने को तैयार नहीं है ना, तो कल रात को मैं तेरे यहाँ पे खुद जागरण करने के लिए आऊंगी, माँ के नाम का प्रेम से बोलो, क्योंकि पंडित ने बताया था माता रानी की पुजारण बनेगी, मैं खुद तेरे चल के आऊंगी तेरे यहाँ पे जागरण करने के लिए। और भक्तों जिस समय जागरण वाली बात कह रही थी ना, तारा रुक्मन पास में खड़ा हुआ राजा का नाई सुन लेता है, राजा का नाई राजा के पास में आगे चुगली लगा देता है, महाराज अभी अभी मैं अपने गानों से एक बात सुन के आया हूँ। राजा कहता है कौन सी बात, कि महाराज महलों की रानी महारानी कल नीच जाति में जागरण करने के लिए जाएगी रात को। राजा कहता है तू पागल हो गया, तू महारानी नीच जाति में नहीं जा सकती, महाराज मैं तो अभी अभी अपने गानों से ये बात सुन के आ रहा हूँ, महारानी ने खुद अपने मुंह से उसको कहा है। राजा कहता है तू झूठ बोलता है, नाई कहता है मेरी बात का यकीन कीजिए। राजा कहता है तेरी बात सच हुई तो तेरे को मैं रुपया पैसा दूंगा, तेरी बात झूठ हुई तेरे को सजा दे दूंगा। नाई कहने लगा मुझे मंजूर है। अब देखिए भक्तों अगले दिन क्या होता है, राजा अपने नीले घोड़े की सवारी करके शिकार खेलने दूर जंगल में चला जाता है, शिकार खेलते सुबह से शाम हो जाती है। जैसी लौट के अपने महल में आता है तो तारा दरवाजे पे खड़ी है, तारा ने जैसी राजा को देखा कहने लगी महाराज शिकार खेलते खेलते आप बहुत बुरी तरह से थक गए, एक काम कीजिए आप जल्दी से भोजन कर लीजिए, अपने कमरे में जाके सो जाइए। राजा ने भोजन किया और भोजन करने के बाद में राजा अपने कमरे में जाके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। लेटे लेटे उसको एक बात याद आती है कि तारा ने आज तक मेरे को जल्दी सोने के लिए नहीं कहा, सारा आज जल्दी सोने के लिए कह रही है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि आज इसको जो है नीच जाति में जागरण करने की जा रहा है जो नाई ने मुझे बतलाया है। राजा मन ही मन में एक प्रण करता है, राजा प्रण करता है कि एक काम आज ऐसा करना चाहिए कि आज के रात मेरे को नींद आए नहीं और तारा जागरण करने के लिए जाए नहीं। तो भक्तो राजा क्या काम करता है, राजा चाकू से अपनी उंगली में छोटा सा चीरा लगा लेता है, काट लेता है और उसके अंदर नमक भर लेता है। जब उंगली में नमक भरा रहेगा तो सारी रात मुझे दर्द रहेगा, जब दर्द रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी और नींद नहीं आएगी तो तारा मुझे छोड़ के जागरण में नहीं जाएगी। बहाने से तारा को राजा अपने पास बुला लेता, तारा मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे हाथ में दर्द है, एक काम कर तू अपने पट का सराना मेरे सर के नीचे लगा दे तारा, ताकि मेरे को नींद आ जाए। बहाने से राजा ने तारा को अपने पास बैठा लिया। उधर रुक्मन विचार करती है, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं भक्तों रात के, तारा भी मन ही मन में माँ को याद करती है, माँ मैंने तेरे नाम के डल्ले रखी है, मैंने तेरे नाम के डल्ले रखे, डल बोलते हैं निमंत्रण को, जो जागरण करवाते हैं वो चावल लाल कपड़े में रख के हमारे को देते हैं, उनको डल बोलते हैं, वो निमंत्रण है कि आपने हमें आमंत्रित कर दिया है कि हमारे यहाँ पे जागरण करने के लिए आना है। तारा कहले की माँ मैंने तेरे नाम के डल ले रखे हैं, अगर मैं आगे जागरण करने के लिए नहीं गई तो इसमें मेरी बदनामी नहीं है, मां तेरे नाम की बदनामी है, कुछ ऐसा करो राजा को नींद आ जाए। एक हवा का झोंका आया, उसी समय राजा सो जाता है, जरा प्रेम से कह दो।
आधी रात का समय हो जाता है, 12 बज जाते हैं, महल का दरवाजा बंद, सारा ने चारों तरफ देखा तो सामने खिड़की खुली हुई थी, कमरे की खिड़की खुली हुई थी। सारा ने अपने साड़ियों का एक रस्सा बनाया और रस्सा बनाने के बाद में उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया और उसी रस्से के सहारे भक्तों तारा महल से बाहर निकल जाती है और चलने लगती है रुकमन के घर पे जान करने के लिए। प्रेम से बोलो, चलती रहती है पहुंच जाती है कहां पे, रुकमन के यहां। रुकमन को कहती है, नहीं समय तो बहुत अधिक हो गया, जल्दी से चंदन की चौकी ले गया, चंदन की चौकी मंगवाई, माँ की मूर्त विराजमान की और शुरू हो जाता है भक्तों रुकमन के घर पे इष्ट माता रानी के नाम का जागरण शुरू हो जाता है। प्रेम से कह दो। अब देखिए ये माता रानी कैसी कैसी लीला दिखलाती है। महल के अंदर राजा की आंख खुल जाती है। राजा महल में चारों तरफ तारा को ढूंढता है तो तारा तो वहां पर कोई नजर आती नहीं। राजा समझ जाता है कि मेरे को धोखा देके जा चुकी है तारा। बड़ा गुस्सा आता है, प्यार में से नंगी तलवार पकड़ के अपने हाथ में जैसे ही महल से बाहर निकलता है तो उसको जो है राजा को तारा के पांव के निशान दिखाई देने लगते हैं। पांव के निशान पहचानते पहुंच जाता है रुकमन के घर। बाहर खड़ा हो जाता है, अंदर जागरण हो रहा है क्योंकि छोटी जाति के लोग हैं, मकान भी अच्छे ढंग के नहीं बने, दरवाजे भी टूटे फूटे हैं, दरवाजा बंद है। राजा दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है, देखता है अंदर क्या हो रहा है। जब सुबह का समय होता है तो तारा कहती है जाओ रुकमन माँ को भोग लगाना है, जाओ हलवे और चने का प्रसाद ले आओ। अगर राजा की नींद खुल गई तो बड़ा अंत हो जाएगा। जल्दी से हमारे यहाँ जो भोग लगता है ना जागरण के अंदर, हलवे चने का नहीं लगता, हमारे यहाँ तो मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सारा कह लेगी मांस के प्रसाद का भोग नहीं लगेगा। किस चीज का है? हलवा और चने। हलवा चने बोल लो, हलवे छोले बतला लो, कोई हलवे छोले कहते हैं कोई हलवे चने। एक जगह ऐसी जागरण था, मैंने पूछा कि माँ का जो भोग है किस चीज का। किसी ने हलवे चने बतलाए, किसी ने हलवे छोली बतलाई, बीच में बहन जी बैठी थी, कहने लगी मैं बतलाऊं। मैंने कहा तुम बतलाओ। मैंने सोचा कि इनको पता होगा। मैंने एक काम कीजिए, आप खड़े हो जाओ, जिसको मालूम नहीं है माँ का भोग क्या है उसको भी पता चल जाएगा। तो मैंने कहा बहन जी तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो गए बतलाओ। वो बहन जी खड़ी हो गई, कहने लगी आप क्या पूछ रहे। तो मैंने पूछा जो माँ का भोग है किस चीज का, और तलवार से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसको काट दिया, थोड़े से मांस के टुकड़े थाले में रख दिए, कपड़े से ढक दिया, किसी को पता ना चले। रुकमन को कहा जाओ भोग लगाओ। रुकमन कहने लगी महारानी भोग लगाओ। तारा कहने लगी तू ही अपने हाथ से लगा दे, मांस के प्रसाद का भोग लगाया गया। तारा जब माँ की भक्ति करती थी तारा को नहीं पता होता था कि संसार में क्या हो रहा, तारा तो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। मांस के प्रसाद का भोग लगाया गया, सब भक्तों की झोली में मांस का प्रसाद डाला गया। तारा कहने लगी जल्दी से भी मेरी झोली में मेरी माँ के नाम का प्रसाद डाल दे, राजा की नींद खुल गई तो बड़ा अर्थ हो जाएगा। वही मांस का प्रसाद तारा की झोली में डाल दिया और झोली बंद करके जैसी तारा रुकमन के घर से बाहर निकली और जैसी बाहर निकलने के बाद में तारा ने अपनी आंखें खोली तो तारा का देख दिया सामने तो राजा खड़ा है नंगी तलवार लिए। जैसी तारा ने राजा को देखा तो राजा कहता है ठहरो तारा ठहरो। तारा ने राजा को देखा तो हैरान हो जाता है, मन में विचार आता है मैं तो बता के नहीं आई महल में किसी को कहां जा रही हूं, तो यहां पे राजा कैसे पहुंच गया। राजा कहता है तारा ठहरो एक बात बतलाओ, कौन सी माँ की पूजा करती हो, कौन सी माँ की भक्ति करती हो। कि महाराज आप तो जानते हैं माँ वैष्णो की पूजा करते हो, उसी की सेवा करते हो, उसी की भक्ति करते हो। पूजा करती है माँ वैष्णो की और यहाँ पे जागरण में तू आई है जागरण करने के लिए और यहाँ पे जो प्रसाद बंटवारी है देखा है मैं बाहर दरवाजे से सब कुछ खड़ा हुआ देख रहा था। तारा कहती है मेरी झोली में मांस का प्रसाद नहीं है महाराज। राजा बार बार यही कहता है मांस का प्रसाद है। तारा बार बार राजा को मना करती है मेरी झोली में मांस का प्रसाद नहीं, मेरी झोली में तो इस माँ के नाम का प्रसाद है। बहुत देर हो जाती है, जब बहुत देर हो जाती है राजा कहता तेरी झोली में मांस का प्रसाद नहीं है तो एक काम कर तारा, तो अपनी झोली फैला के दिखला दे सबको, मैं ये देखना चाहता हूँ तेरी झोली में किस चीज का प्रसाद है। तारा के मन में विचार आया मैंने कहा था जाओ हलवे चने का भोग लाओ। राजा कह रहा मेरी झोली में मांस का प्रसाद देख लिया बड़ा अर्थ हो जाएगा। उसी समय भक्तों मरी मन तारा खड़े खड़े इस माँ को याद करती है।
माँ मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी भक्ति की, आज तक मैंने तुम्हारे से कभी कुछ नहीं मांगा। माता रानी अगर राजा ने मेरी झोली में बांस का प्रसाद देख लिया तो सबके सामने राजा मेरी गर्दन काट देगा, प्रेम से कह दो। सारे बोलो तभी एक आकाशवाणी होती है, तारा तो चिंता क्यों करती है, मैं तेरी साथ बेफिक्र होगी, राजा को तो अपनी झोली फैला के दिखला दे। तारा ने आकाशवाणी सुनी और जैसे ही राजा के सामने भक्तों तारा ने झोली फैला के दिखलाई तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार करती है ये माँ भवानी जगदम्बे। तारा की झोली में जो मांस का प्रसाद था, माता रानी की कृपा से वो पांच तरह की मेवा का प्रसाद बन जाता है। भक्तों दोनों हाथ खड़े करके बोलो सच्चे दरबार की। तो राजा कहता है तारा तू तो बहुत बड़ी जादूगरनी है। तारा कहती है मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई जादू आता। तो अच्छा ये बतला ये प्रसाद कैसे बदल गया, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी झोली के अंदर मांस का प्रसाद, ये प्रसाद कैसे बदल गया। तो तारा कहती है महाराज अगर आप इसको जादू कहते हैं तो ये मेरी माँ का जादू है। प्रेम से बोलो उनका जो पंत है ये तलवार की धार से भी ज्यादा खतरनाक है, हर इंसान तो इस पर चल भी नहीं सकता। राजा कहता है तू जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा, मगर तू ये बतला जादू देखने के लिए मुझे करना क्या है। तारा कहती है महाराज फिर मेरे को दोष मत देना, ये क्या करवा दिया। राजा कहता है मैं तेरे से कोई शिकायत नहीं करूंगा, तो ये बतला कि करना क्या है इस जादू को देखने के लिए, इस जागरण के पंथ को देखने के लिए। तो तारा कहती है बच्चा बतलाइए कि आप संसार में सबसे अधिक प्रेम किसको करते हैं। तो राजा कहता है तारा से तारा तू जानती है कि हमारा तो एक ही तो पुत्र है सुंदर और मेरी आंख का तारा है, अपने पुत्र से मैं संसार में सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। तारा कि जाइए महाराज अगर आप इस जादू को देखना चाहते हैं। तो राजा ने अपने बेटे अपने सुंदर को पास बुलाया और तलवार उठाई और तलवार से अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने बेटे सुंदर को तलवार से काट दिया। प्रेम से कह दो थोड़े से मांस के टुकड़े थाल में रख दिए। सारा कह लेगी इसके बाद में किसको प्रेम करते हैं कि जो मेरा नीला घोड़ा है, जाइए अपने नीले घोड़े को भी काट दीजिए। महाराज राजा ने अपने नीले घोड़े को भी काट दिया, थोड़े से मांस के टुकड़े घोड़े के भी रख दिए। इसके बाद सारा क्या करना, इसके बाद ये करना महाराज ये जो मांस के टुकड़े हैं ना, ये जो मांस के टुकड़े हैं आपने जो थाल में रखे हैं इसको भगोने में डाल दो और इस भगोने को भट्टी पर चढ़ा दो प्रसाद बनने के लिए। प्रसाद बन के तैयार हो जाता है। राजा कहता है अब क्या करना है, तारा बताओ अब ये करना है, ये जो प्रसाद बन के तैयार हो गया इसको पांच थाल में डालो। तो राजा कहता है पांच थाल में क्यों डलवा रही, यहाँ पे तुम बैठी हो और मैं हूं, तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा। सारा कहती है जैसे मैं कहती जाऊं करते जाओ, जानना चाहते हो तो सुनो, पहले थाल का प्रसाद आपके बेटे सुंदर के लिए है, दूसरे थाल का प्रसाद आपके नीले घोड़े के लिए है, तीसरे थाल का प्रसाद आपके लिए, चौथे थाल का प्रसाद ये मेरे लिए, और ये जो पांचवा थाल का प्रसाद है महारानी जगत जननी के लिए है। बोल सच्चे दरबार की। पांच थाल में डाल दिया। राजा कहने लगा अब क्या करना है, तारा बतला कि महाराज अब एक काम कीजिए, आप प्रसाद का एक थाल उठाइए और इस प्रसाद का थाल उठाया, प्रसाद का भोग लगाया और भोग लगाने के लिए देखिए क्या करता। जैसे राजा ने थाल में से प्रसाद हाथ में लिया और खाने के लिए अपने हाथ को मुंह के पास में ले आया तो राजा के साथ में क्या घटना घटती है कि राजा का बेटा जो सुंदर होता है उसके हाथ की ये चीची उंगली, इसको छोटी उंगली को बोलते हैं चीची, छोटी वाली उंगली चीची उंगली कटी हुई प्रसाद के अंदर राजा के हाथ में आ जाती है और राजा उस उंगली को पहचान जाता है ये मेरे बेटे की उंगली है। और पहचानने के बाद में तारा के सामने दहाड़ माड़ मार कर रोने लगता है, भक्तों दहाड़ माड़ मार के रोने लगता है। तारा चुपचाप बैठी हुई है क्योंकि तारा ने तो पहले ही मना कर दिया था, अब रोने लगा राजा, मोटे मोटे आंसू गिरने लगे और रोते रोते राजा कहता है सारा मुझे पुत्र वियोग न भाए, सारा मुझे पुत्र वियोग न भाए, एक पुत्र तूने अपनी गोद से जाया, मेरे हाथों से इसे कटवाया, सारा अब तो रहा नहीं जाए तारा। अब तारा ही तारा चिल्लाने लगा,
पहले जीत का पाप था, मुझे ये जादू देखना है। तर मुझे वो तर वियोगे न भाए। तारा चुपचाप बैठी है, राजा मोटे मोटे आंसू से रोने लगता है, सड़पने लगता है अपने पुत्र के वियोग में, रोने लगता है अपने नीले घोड़े के वियोग में। और रोते रोते कहता है, पुत्र के बिना मैं जी ना सकूंगा, घोड़े के बिना भी मेरे ना सकूंगा, सारा अब कहे तड़पाए, तारो मुझे पुत्र वियोग न भाए। तारा चुपचाप बैठे, राजा रोते जा रहा है, रोते जा रहा है, रोते रोते राजा कहता है, तारा एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मेरा बेटा सुंदर जिंदा वापस नहीं मिला, मेरा नीला घोड़ा वापस नहीं मिला तारा, तो आज मैं रो रो के मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, इस संसार में जिंदा नहीं रहूंगा। तारा मुझे मेरा बेटा वापस दे दे, तारा मेरा नीला घोड़ा वापस दे दिया। अब उनको याद आने लगी तो रोने लगा तारा के साथ। राजा कहने लगा, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा संसार में। तारा के मन में विचार आया, जब राजा ही जिंदा नहीं रहेंगे तो मेरा भी जीना बेकार है। तारा कहने लगे, महाराज मैंने आपको मना किया था, आपने जिद करी, आप नहीं माने, देख लिया नतीजा क्या होता है, अब आप चुप जाइए और जाइए महाराज अपने बेटे सुंदर को आवाज मारिए। राजा अपने महल में गया और अपने बेटे को आवाज मारी, और जैसी बेटे ने आवाज सुनी तो ऐसी माता रानी कृपा कर देती है भक्तों कि सामने से राजा का बेटा सुंदर दौड़ते 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 राजा के सामने जिंदा खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ खड़े करके बोलो, सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा, बेटा तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। राजा का बेटा कहने लगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, मैं तो आपके पास भी था महाराज। तारा कहने लगी, जाइए। राजा ने अपने बेटे को अपने गली से लगाया। तारा कहने लगी, जाओ अपने गुड़साले में जाओ, घोड़े को आवाज मारो। घोड़े को आवाज मारी, ऐसी माता रानी ने कृपा करी, राजा का घोड़ा हीन हिनाते हुए राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। प्रेम से कह दीजिए, सच्चे दरबार की। राजा खुश हो जाता है। राजा कहता है, तारा मांग ले, क्या मांगना चाहता है। राजा माता रानी के चरणों में गिरता है, 100 बार नाक रगड़ता है, माफी मांगता है और तारा से कहता है, तारा मांग ले, क्या मांगना चाहती है। तारा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो इस शहर से बाहर एक मंदिर और मेरी माता के नाम का बनवा दो। राजा ने वो मंदिर बनवाया, आज भी प्राचीन मंदिर है। और भक्तों एक समय की बात बतला रहा हूँ, मांग ले, क्या मांगना चाहती है। तारा हाथ जोड़ के कहने लगी, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे भक्ति का दान दो, सारी जिंदगी मैं तुम्हारी सेवा करूँ, माँ तुम्हारी पूजा करूँ। माता ने कहा, ये वरदान तो मैंने तेरे को बहुत पहले से दे रखा है, इसलिए तो तू मेरी पूजा करती है, मेरी भक्ति करती है। आज मैं तेरे को एक खास वरदान देती हूँ। तो माँ कहती है तारा से, क्या कहती है, देख इस पृथ्वी लोक पे जहां भी कहीं मेरे नाम का जागरण होगा ना तारा, वहां पे तारा रानी की कथा का होना बहुत जरूरी होगा। और जिस जागरण के अंदर तारा रानी की कथा नहीं सुनाई जाएगी, वो जागरण कभी संपूर्ण ही माना जाएगा। दोनों हाथ खड़े करके बोलो, सच्चे दरबार की। ये माता रानी का ही वरदान दिया हुआ है। और जो हमारे गुरु हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि जिस जागरण के अंदर तारा रानी की कथा नहीं सुनाई जाती है, वो जागरण कभी संपूर्ण नहीं माना जाता है, वो जागरण जो है अधूरा रह जाता है। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और जो भगतजन आधा जागरण छोड़ के चले जाते हैं, उनको भी संपूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। किनको होता है, आप जैसे भक्तों को। सारी रात माँ का भजन किया, अब कथा सुनी, आरती के बाद में प्रसाद लेके घर जाएंगे, उसके बाद में अपने अपने घर जाएंगे। तो हमारे गुरु स्वामी जी, हाँ अभिषेक जी एक आशीष को ढक ले गया। सर्वमंगल मांगलिक शुभ सर्वाधि साधके सर्वतम के गौरी नारायणी नमस्ते। जय टीका लगा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जग जाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैया जय श्यामा गौरी जी को सदा हरि
Thank you.
बोलो
जय माता दी, 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 जय सच्चे दरबार की ये बेल है, ये माई की बेल है भक्तो। जो तेरी जलावाए हरे मत ज्योति लहराई, जय हो तेरी जलावाए, ज्वाला रानी
देखिएगा भक्तों, ये माता रानी का जागरण, ये भेंट कबूल हो गई है। माता रानी ने कौशिक परिवार का ये जागरण, इस परिवार के अंदर बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न हुई है और इस जागरण को कबूल कर लिया है। हाँ आ गया, आ जाइए, आ गया, बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखना इस परिवार के ऊपर। सभी भक्तों की ज्वाला माँ मनोकामनाएं पूरी करती है। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। बोलिए किरदार भैरव बाबा की जय। राम के पास वो गोरी भोगो मैया, वो गोरी भोगो पर देशन मां, ऐ मेरा मन यूं ही बसिया। ये तो बड़े अलग जगाई नींद राज मैया और मिठराई, नींद राज मैया और मिठराई, करके रानी तेरा भोग ले आए, करके रानी तेरा भोग ले आए, राजा हरिचंद तेरा भोग ले आए, राजा हरिचंद तेरा भोग ले आए, भोगोए भोगो मैया भोगोए भोगो परदेसन मा, मेरा मन ओए बतिया, भोग लगाने वाली माता। खाना खाने के बाद जिस तरह से हम पानी पीते हैं, महारानी को गंगा जल पिलाया जाएगा,
सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल मीठा मीठा पानी, ऐसा ठंडा ठंडा पानी, ऐसा मीठा मीठा पानी, पियो पियो मेरी यारी भवानी, नगर कोट रानी, आशा देवी मनसा देवी अष्टर भुजी छठर भुजी, हे माँ ज्वाला भवानी, पियो पियो मैया पियो पियो पानी का गड़वा, ए मेरा मन हिम्मतिया, बोल गंगा जल पीने वाली माता तेरी सदा ही जय। जिस तरह से खाना खाने के बाद जग लाया, चावो है चावो मैया चावो है चावो पानो का वीरा, हे मेरा मन पांचवाने वाली माता तेरी सदा ही जय। बाकी प्यारो संपूर्ण करना, जिस भावना से कौशिक परिवार तेरे स्त्री चरणों में खड़े हैं, जो भी इनके मन में है माते श्री की हर अरदास पूरी करना, तेरे बच्चों से सारी रात में कोई त्रुटि रह गई हो बच्चा जान के क्षमा करना, इनको अपने चरणों का प्यार देना, जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा झूले झूले बाजा का नकारा, एक मन होके लगाएगा जयकारा माई को प्यारा, बोल सांचे दरबार की जय।